दोस्तों Xiaomi लेके आ गया है अपना ब्रांड न्यू फ्लैगशिप स्मार्टफोन Mi 8 को आज जो चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Mi 8 के बारे में जो आज फाइनली चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल Bing SK को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार अभी के अभी कर दो सब्सक्राइब और साथ में जो छोटा सा नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि हमने नया वीडियो कब अपलोड किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस, क्या है प्राइस और क्या है खास फीचर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिस्प्ले से। जी हाँ दोस्तों, डिस्प्ले से शुरू करेंगे। इस फोन में आपको 6.21 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 16M कलर के साथ, जिसमें दिया गया है AMOLED स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है, जिसका रेजोल्यूशन है 1080x2280 पिक्सल। Xiaomi का ऐसा पहला फ़ोन है Mi 8 जो कि आपको नॉच डिस्प्ले के साथ देखने को मिल जाएगा। नॉच काफ़ी आपको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा देखने को मिल जाएगा, जो कि iPhone 10 की तरह आपको नॉच देखने को मिल जाएगा, जिसमें होगा सेल्फी कैमरा और बहुत सारे सेंसर्स वगैरह लगा हुआ है। अब बात करते हैं फ़ोन की कैमरे के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में आपको डुअल रियर कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 12+12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें यूज़ किया गया है सोनी IMX363 का सेंसर, जिसका एपरेचर F1.8 है और दूसरा एपरेचर है F2.4। साथ में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है AI फेस डिटेक्शन के साथ, जिसमें आपको F2.0 का एपरेचर मिलता है और रियर कैमरे में भी आपको मिल जाता है AI जैसे फीचर्स। दोस्तों कैमरा का जो लेआउट है वो Redmi Note 5 Pro की तरह आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको वर्टिकल लेआउट देखने को मिल जाएगा। अब बात करें फोन के स्टोरेज की, तो दोस्तों इस फोन में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 6GB रैम है, 64GB, 128GB और 256GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको HD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि ये ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में मिलता है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर, जो कि है 845 का चिपसेट, जो कि एक ऑक्टाकोर CPU है, जिसमें आपको मिलता है 2.8 GHz पे जो क्लॉक है। अब बात करते हैं फ़ोन की सॉफ्टवेयर की, तो इसमें आपको MIUI 10 देखने को मिल जाएगा पहली बार, जो एनिवर्सरी एडिशंस के साथ इसको लॉन्च किया गया है MIUI 10 को, और साथ में मिलेगा Android Oreo आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि Android 8.1 पे काम करता है। अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी की, तो दोस्तों इस फोन में मिल जाता है आपको 3300 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, जिसके जरिए आप इसको जो फास्ट चार्ज कर सकते हो। और पीछे आपको डिज़ाइन की बात करें तो आपको बैक पैनल में फिंगरप्रिंट स्कैनर इस बार मिसिंग देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको मिलेगा तो आपको डुअल रियर कैमरा, जिसमें आपको वर्टिकली डुअल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो फ्यूचर है फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो टॉपिक है वो लेके आ गया है इंटरेस्टिंग वे में, जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। तो आप बात करते हैं प्राइसिंग की, तो दोस्तों प्राइसिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको Mi 8 का प्राइस एज कम्पेयर टू वन प्लस 6 बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि Mi 8 का जो 6GB 64GB का प्राइस है वो लगभग 28,000 के आसपास रखा गया है। जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस लगभग 31,000 के आसपास रखा गया है। जो 6GB 256GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस करीब करीब 36,000 के आसपास जो रखा गया है। दोस्तों ये फ़ोन चाइना के अंदर लॉन्च किया गया है, हालांकि इंडिया के अंदर बहुत जल्द आएगा, और जब आएगा तो क्या प्राइस लेके आएगा तो इसका अभी हम वेट कर लेंगे। तो दोस्तों ये है पूरा कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे फीचर के साथ इस फोन में आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट पीछे दिया गया है, बैक में आपको ग्लास कार्ब ग्लास 2.4D कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, बहुत सारे फीचर्स आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। प्राइस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अगर इसी प्राइस के साथ ये इंडिया के अंदर आता है तो ये वन प्लस इसको काफ़ी हद तक किल कर सकता है। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि मुझे आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के लिए, आज के लिए बस इतना ही।